अस्सलाम वालेकुम। हमारे आज के पाक साई कॉम फोरम के साथ जो सेशन है वो बड़ा स्पेशल सेशन है, एजुकेशन डायलॉग के मुतालिक है। और हमारे मेहमान हैं इसमें दावर खलील खान साहब। दावर साहब पाकिस्तानी हैं, बट ही वॉज बोर्न इन ओमान एंड रेज्ड ओवर देयर। आपने एमएससी फिजिक्स की डिग्री हासिल की यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से। इसके बाद आपने एजुकेशन मैनेजमेंट एंड प्लानिंग में मास्टर्स की डिग्री कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से हासिल की। जो आपकी स्पेशलिटी है जिसकी वजह से हमने आपको आज मुद्दू किया है यहाँ पे, वो है आपने जो मिडल ईस्ट कंट्रीज में जैसे कतर है, ओमान है, यूएई है, इनके सिंगल नेशनल करिकुलम की डेवलपमेंट के हवाले से इनकी मिनिस्ट्रीज के साथ मिलके काम किया और उसको आप क्लोजली वॉच करते रहे हैं। नाजरीन, आपको पता है कि हम पहले भी पाकिस्तान के सिंगल नेशनल करिकुलम के हवाले से एक सेशन कर चुके हैं, जिसमें हमने जो सिंगल नेशनल करिकुलम की जो कमेटी थी उसमें डॉक्टर मरियम चुगताई साहबा थी, वो हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल थी। उसके साथ साथ मौलाना इसरार मदनी साहब थे। तो आज उसी सीरीज का हम नेक्स्ट सेशन करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे मेहमान दावर साहब हैं। दावर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया आज के सेशन के लिए। सर, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने ये अपॉर्चुनिटी मुझे दी है कि मैं कुछ अपनी व्यूज हैं और जो मेरी स्टडी है सिंगल नेशनल करिकुलम के हवाले से, और जो मेरी एक्सपर्टीज है और जो मैं डिफरेंट लेवल पर डिफरेंट कंट्रीज के हवाले से काम करता रहा हूँ, तो चूंकि पाकिस्तान में ये एक अच्छा इनिशिएटिव हुआ है तो मैं इसमें कुछ अपनी व्यूज को आप तक पहुँचाऊँ। और हमारी जो ऑडियंस है और जो हमारे लोग इस चीज़ के ऊपर आजकल काफ़ी डिबेट में है, उस पर मैं अपना एक पॉइंट देने का मुझे अपॉर्चुनिटी आप लोगों ने दी है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। थोड़ा सा मेरा इंट्रोडक्शन, मैं जैसे आपने बताया कि बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन ओमान और दर्स व तदरीस के शोबे से एक अरसे से मुंसलिक हूँ। मैंने तकरीबन 15 साल फिजिक्स को एज अ सब्जेक्ट पढ़ाया भी है और साथ ही साथ मैनेजमेंट और करिकुलम डेवलपमेंट में काफ़ी काम किया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ओमान के साथ। और हमने एक जिस वक्त ये काम स्टार्ट किया था तो दीगर गल्फ कंट्रीज की जो एजुकेशन का करिकुलम है और स्टैंडर्ड्स हैं उनका एक कंपैरिजन हमने बनाया था, और उसके साथ इंटरनेशनल कैम्ब्रिज का, एडेक्सेल का, ऑक्सफोर्ड का, इस सारे कैम्ब्रिज करिकुलम्स को हमने बेसिकली एक एनालिटिकल व्यू बना के और फिर अपने करिकुलम के ऊपर काम किया था। तो इस हवाले से मैं यहाँ पे अपने व्यूज और अपने एक्सपीरियंस शेयर करने में थोड़ा सा इंटरेस्टेड था कि चले एक जहाँ काम हो रहा है तो हम इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस कर सकें। जबरदस्त सर, मैं यही आपसे कहना चाह रहा था कि आप अपना इंट्रोडक्शन करवा दें, तो वो आपने बड़े अच्छे तरीके से बता दिया। सर, ये बताइएगा कि सिंगल नेशनल करिकुलम क्यों जरूरी है किसी नेशन के लिए, और ये जो गल्फ कंट्रीज हैं जहाँ पे आपने सिंगल नेशनल करिकुलम के हवाले से जो आपके पार्टिसिपेशन रही, यहाँ पे इन लोगों को क्या जरूरत पेश आई इसकी? जी देखिए, सिंगल नेशनल करिकुलम को जो सबसे पहले मैंने समझा या जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है खास तौर पर गल्फ के हवाले से, कि जो प्राइवेट सेक्टर में जितने भी प्राइवेट स्कूल्स वहां पर काम कर रहे थे वो एक सेपरेट स्टैंडर्ड या अपने अपने सिस्टम्स को या अपने अपने एजुकेशन मॉडल को लेके चल रहे थे। और सिंगल नेशनल करिकुलम की जो सबसे इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट थी वो थी एक स्टैंडर्ड को बनाना जो यूनिफॉर्म हो और हर जगह पर उस स्टैंडर्ड को फॉलो किया जाए। आपको मैं बताऊं, जिस तरह से हम लोग पाकिस्तान में भी देखते हैं, पाकिस्तान में अगर आप किसी भी स्कूल को देखते हैं तो उसके नाम के साथ वो स्कूल सिस्टम लिखते हैं, मतलब वो स्कूल एक अपना प्रॉप सारा मैं खुद जो है वो सिस्टम को रन करता है, बनाता है और चलाता है। और जब आप इसी चीज को एक लार्जर पर्सपेक्टिव में देखते हैं किसी एक स्कूल से दूसरे स्कूल तक, तो हमें कोई स्टैंडर्ड या कोई यूनिफॉर्म लेवल जो है वो नजर नहीं आता। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट थी सिंगल नेशनल करिकुलम की तमाम मुल्कों में, खासतौर पर जब ओमान में मैं काम कर रहा था, तो मेन रीजन उसका यही था कि तमाम प्राइवेट सेक्टर में जो स्कूल्स हैं, जो इंटरनेशनल स्कूल्स हैं, वो एक मिनिमम लेवल को फॉलो करें, स्पेशली फ्रॉम ग्रेड 1 टू ग्रेड 8, क्योंकि आपको पता है 9th और 10th में हर जगह पे बोर्ड एग्जाम लिखा जाता है, उसका एक सेट करिकुलम है, उसका एक सेट क्राइटेरिया है, लेकिन जो क्लासेस है 1 टू 8 वहां पर हर स्कूल अपने तौर पर एक अपनी लेवल को लेके चल रहा है। पेरेंट्स की एक वहां रिक्वायरमेंट थी कि एक ऐसा स्टैंडर्ड हो जहां पर अगर स्कूल से एक स्कूल से दूसरे स्कूल में स्टूडेंट को शिफ्ट किया जाए तो जो गैप है वो गैप
वहां ना रहे। तो उसकी बुनियादी वजह जो थी वो एक तो ये थी। दूसरी चीज ये कि आपको पता है कि हर मुल्क की अपनी एक फिलॉसफी होती है, उनका अपना एक वे ऑफ थिंकिंग होता है, और वो चाहते हैं कि उनकी जो एजुकेशन के अंदर जो स्टूडेंट जो जनरेशन जो आगे बढ़ रही है वो उस कंट्री की फिलॉसफी को साथ लेके या उस कंट्री की फिलॉसफी के तहत जो है वो आगे चले और अपना एक ग्लोबल विलेज के अंदर या ग्लोबल परस्पेक्टिव में अपनी एक आइडेंटिटी को मेंटेन करते हुए एक अपना रोल प्ले करे। तो नेशनल करिकुलम बेसिकली इस चीज की बैकबोन है कि जब आप इंटरनेशनली अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं तो आप अपनी कौमी शनाख्त को सामने रखते हुए अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन करते हुए इंटरनेशनल लेवल पर अपना एक रोल प्ले कर सकें, और वो तभी पॉसिबल है जब आप एक ऐसे स्कूल ऑफ थॉट से डेवलप होते हैं जो डिजाइन हो आपकी तमाम सोशो इकोनॉमिक सोशो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को सामने रखते हुए बनाया जाए। तो दैट्स द रीजन कि हर कंट्री अपना एक करिकुलम डिजाइन करती है जिसमें वो अपनी मुल्क की रिक्वायरमेंट के हिसाब से तमाम तर चीजों को लेके चलना चाहती है। तो मेरे ख्याल से ये बुनियादी रीजंस हैं, ताकि आपको पता है कि इसमें एक छोटा सा हम इकोनॉमिक एस्पेक्ट को अगर देखें तो हर मुल्क की अपनी एक इकोनॉमिक नीड है, और उस नीड को फुलफिल करने के लिए उनके पास एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए कि वो उन नीड्स को पूरा करने के लिए एक वर्कफोर्स भी तैयार कर सके। तो एक ये भी रीजन होता है जब आप करिकुलम को डिजाइन करते हैं तो फ्रॉम द बेस आप अपनी जनरेशन को उस तरह से तैयार करते हैं कि वो आपकी रिसोर्सेज को बेहतर तौर पर यूटिलाइज करने के लिए एबल हों और वो उन चीजों को यूटिलाइज कर सकें। तो मेरे ख्याल से ये बेसिक रीजंस हैं जिसकी वजह से एक कौम या एक नेशन अपना करिकुलम या अपना एक एजुकेशन सिस्टम को मॉडल करती है। सर बहुत अच्छा, यानी हर सोसाइटी की अपनी एक सोच है, लेकिन उस सोसाइटी के डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं, और हर एक का अपना पर्सनल वेस्टेड इंटरेस्ट भी हो सकता है या उनकी डिफरेंट थिंकिंग हो सकती है। तो क्या जिन कंट्रीज के साथ आपने सिंगल नेशनल करिकुलम के डेवलपमेंट पे काम किया वहाँ की सोसाइटी में, पाकिस्तान में तो बहुत रेजिस्टेंस है इस पे डिफरेंट सेक्टर्स की वजह से, जी बिल्कुल, लेकिन लेकिन क्या वहाँ पे भी रेजिस्टेंस थी, खास तौर पे जो मिडिल ईस्ट है वहाँ पे रिलीजियस जो एजुकेशन है उसको इसकी इनकॉर्पोरेशन के हवाले से सिंगल नेशनल करिकुलम में, तो इस हवाले से कुछ बताइएगा। देखिए सबसे पहले तो थोड़ा सा पर्सपेक्टिव डिफरेंट है पाकिस्तान का और बाकी मिडिल ईस्ट कंट्रीज का। आपको पता है कि मिडिल ईस्ट में जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है वो मोनार्की सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, और वहाँ पर लॉज जो हैं वो जो इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, जो लॉज जो बनाए जाते हैं वो एक तरह से रॉयल डिग्री के थ्रू बनाए जाते हैं। उसमें आपके पास ऑप्शन नहीं होता कि आप उससे अपने आप को जो है वो अलग कर सकें या उस पर क्रिटिसाइज कर सकें। लेकिन प्रोवाइडेड दैट वहाँ भी जब सिंगल नेशनल करिकुलम या स्टैंडर्डाइज नेशनल करिकुलम के ऊपर काम किया गया या एक इंटीग्रेटेड एजुकेशन सिस्टम के ऊपर काम किया गया तो उसमें जो नीड ऑफ द आर थी उसको सामने रखते हुए कि किस तरह से इसको एक यूनिफॉर्म तरीके से और तमाम सोसाइटी के सेगमेंट्स को सामने रखते हुए उनकी रिक्वायरमेंट को सामने रखते हुए इस चीज़ को डिज़ाइन किया जाए। जो वहाँ एक बड़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन थी पेरेंट्स की तरफ से, एक रिक्वायरमेंट थी कि वहाँ एक सिंगल नेशनल करिकुलम या एक स्टैंडर्ड करिकुलम जो है वहाँ बनाया जाए। वहाँ तो मेनली जो सोसाइटी की रिक्वायरमेंट थी कि वहाँ इस तरह का एक काम हो ताकि जब स्कूल से वो एक सिटी से दूसरी सिटी में ट्रेवल करते हैं या एक स्कूल से दूसरे स्कूल में ट्रांसफर करते हैं तो उनका लेवल और स्टैंडर्ड जो है वो सेम होना चाहिए। एटलीस्ट जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो हर स्कूल उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो कर सके। तो बेसिकली वहाँ एक ये बेसिक स्कूल ऑफ थॉट थी जिसको सामने रखते हुए मिनिस्ट्रीज ने एक स्टैंडर्ड बनाने का प्लान किया। एक और चीज जो आपने भी कही रिलीजियस इंटीग्रेशन जो थी, देखें जहां हम बात करते हैं तमाम गल्फ कंट्रीज की तो मुस्लिम कंट्रीज हैं सारी अल्हम्दुलिल्लाह, तो वहां कोई भी ऐसा टॉपिक या ऐसा सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जा सकता या अपने करिकुलम में इंटीग्रेट किया जा सकता जो किसी भी हवाले से हमारी बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम के अगेंस्ट हो या कॉन्ट्राडिक्ट करता हो। जैसे मैं एक आपको एग्जाम्पल दूँ छोटी सी, जिस वक्त हम ये करिकुलम को बना रहे थे तो हमारे सामने बहुत सारी स्टडीज थी क्योंकि हम कैम्ब्रिज को भी स्टडी कर रहे थे, हम एडेक्सेल को और ऑक्सफोर्ड को भी स्टडी कर रहे थे। तो हमें सबसे पहले ये इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि ऐसे टॉपिक्स
जो एवोल्यूशन के हवाले से हैं, डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है, तो वो उसको इस्लामिक कल्चर से, इस्लामिक पर्सपेक्टिव से बिल्कुल अगेंस्ट कंसिडर किया जाता है, तो इस तरह के टॉपिक्स को आप करिकुलम में ऐड नहीं कर सकते। तो ये कम्प्लीटली ये टॉपिक्स उसमें से हटाए गए, निकाले गए। इसी तरह से जब हम बायोलॉजी की स्टडी कर रहे थे और जो बुक्स को हम शॉर्टलिस्ट कर रहे थे, क्योंकि मिनिस्ट्री ने वहाँ पर इस तरह से किया है कि कुछ बुक्स भी एक लिस्ट रिकमेंड की कि आप तमाम स्कूल इन्हीं बुक्स में से सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी रैंडम बुक्स आप नहीं ले सकते। जब हम बुक्स की सिलेक्शन के ऊपर काम कर रहे थे तो वहाँ इस चीज़ को उन्होंने खास तौर पर हमें इंस्ट्रक्शन दी हुई थी कि ऐसी कोई भी बुक सिलेबस में बायोलॉजी के हवाले से शामिल ना की जाए जिसमें ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम के हवाले से पिक्चर्स या ह्यूमन जो है रियल इमेज वहाँ मौजूद हों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के हवाले से। बेशक वहाँ आप ड्राइंग्स हों, स्केचेस हों, दैट इज एक्सेप्टेबल, बट रियल लाइफ इमेज वहाँ ना हो। तो वो बुक्स की सिलेक्शन में इस चीज़ को खास तौर पर ख्याल रखा, क्योंकि ये सब चीज़ें हमारी जो सोशो इकोनॉमिक या सोशो कल्चरल नॉर्म्स के अगेंस्ट हैं बींग अ मुस्लिम, तो इस सब चीज़ों को उन्होंने वहाँ पर हटाया और इस चीज़ को साइड में रखा। इसके अलावा जैसे यहाँ अभी मैं एक दो तीन डिस्कशन सुन रहा था कि कुरान और हदीस के हवाले से बात हो रही थी इस्लामिक स्टडीज के सिलेबस में पाकिस्तान में, वहाँ एक अच्छा खासा कंटेंट है जो कुरान की सूरतें बाकायदा ना सिर्फ ये कि बच्चों को हिफ्स करनी है बल्कि उसके ऊपर उनसे क्वेश्चंस भी आते हैं, रिटर्न क्वेश्चंस आते हैं, और उनकी आयात का तर्जुमा, उनकी तफसीर उनके ऊपर बयान की जाती है, और उसमें बहुत सारे मल्टीपल चॉइस एंड ऑब्जेक्टिव के हवाले से भी क्वेश्चन होते हैं, तफसीर में भी उसमें जाया जाता है डिफरेंट जब आप हायर लेवल पे जाते हैं। इसी तरह से हदीसों के हवाले से भी है कि वहाँ बाकायदा मुकम्मल हदीसें ना सिर्फ ये कि बच्चों को नाजरा पढ़नी पड़ती है बल्कि उनको हिफ्ज भी करना पड़ता है और उनका रिटर्न एग्जाम भी देना पड़ता है। और ये मैं सिर्फ ओमान के हवाले से बात नहीं कर रहा हूँ, ये तकरीबन तमाम मिडिल ईस्ट कंट्रीज में इस्लामिक स्टडीज का इसी किस्म का करिकुलम है कि वहाँ ये सब चीज़ें उसी लेवल पर मौजूद हैं जिस लेवल पर ओमान में मौजूद हैं। तो बेसिकली हमारे यहाँ थोड़ा सा रेजिस्टेंस है इसके ऊपर, और जो मुझे समझ में नहीं आता कि मैं माजरा चाहता हूँ कतक कलाम जी जी जी, पाकिस्तान के जो करिकुलम है उसके उसकी कंपैरिजन पे हम इंशाल्लाह आपसे बात करते हैं अभी इन अ शॉर्ट व्हाइल। अब ये फरमाइएगा कि कितना टाइम लगा जो कन्वेंशनल करिकुलम था उसको फेज आउट होने में, कम्प्लीटली सिंगल नेशनल करिकुलम को इम्प्लीमेंट करने में कंट्रीज में, और फिर इसके साथ ही कितने टाइम के बाद आप इसको रिवाइज किया करें? जी, असल में देखिए सबसे पहला जो फेज था, जो सबसे पहला काम था वो ये था कि हम सिलेबस को या करिकुलम को किस तरह से मॉडर्न रिक्वायरमेंट के हिसाब से लेके जाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहला टास्क ये था कि हम मुख्तलिफ मुल्कों में चलने वाले करिकुलम को या स्टैंडर्ड करिकुलम जो कि हम फॉलो करें, इवन पाकिस्तान में भी आपको पता है आप IGCSE का एग्जाम देते हैं, कैम्ब्रिज का ए लेवल देते हैं, ओ लेवल देते हैं और मुख्तलिफ बोर्ड के एग्जाम देते हैं। तो सबसे पहला काम था करिकुलम को स्टडी करना, तमाम इंटरनेशनल करिकुलम को स्टडी करना और रीजनल करिकुलम को स्टडी करना, और उसके हवाले से एक रिपोर्ट प्रिपेयर की गई कि ये तमाम चीज़ों को हम किस तरह से एक स्टैंडर्ड पर लेकर आए। तो सबसे पहला काम तो एनालिसिस था, उसके बाद करिकुलम की डेवलपमेंट का काम रहा। ये काम तकरीबन हम लोगों ने 2 साल का अरसा लगाया जिसमें ये सारा काम, जिसमें स्टडी था और उसके बाद करिकुलम की डेवलपमेंट था, प्लस एक प्रॉपर पॉलिसी उसमें बनाई गई कि उसको हम किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इसको हमने 5 मेन स्टेप्स में वहाँ पर काम किया। सबसे पहले करिकुलम की डेवलपमेंट रही, उसके बाद रिकमेंडेड टेक्स्ट बुक्स, वहाँ जो लिस्ट ऑफ टेक्स्ट बुक्स हैं डिफरेंट पब्लिशर्स की, क्योंकि वहाँ कैम्ब्रिज पब्लिकेशन भी यूज़ हो रही है, ऑक्सफोर्ड भी यूज़ हो रही है और पियर्सन भी यूज़ हो रही है, बहुत सारी पब्लिकेशन हैं उनकी अंदर जो मुख्तलिफ सीरीज हैं उनको फिर हमने स्टडी किया और एक लिस्ट ऑफ टेक्स्ट बुक्स रिकमेंड की तमाम सब्जेक्ट्स के हवाले से, मुख्तलिफ पब्लिशर्स के हवाले से, कि यही टेक्स्ट बुक्स हैं जिनमें से आप कोई भी स्कूल इंडिपेंडेंटली सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उस लिस्ट के अलावा कोई भी वो बुक्स को नहीं चूज कर सकता। दूसरे उन तमाम मिडिल ईस्ट में इन्होंने एक बड़ी जिसे कहते हैं कि बेसिक अपनी रूल को इम्प्लीमेंट किया हुआ है,
तीन सब्जेक्ट्स का करिकुलम और तीन सब्जेक्ट की बुक्स ये मिनिस्ट्री ने अपने हाथ में रखी हुई हैं, और तमाम स्कूल्स ये तीन सब्जेक्ट जिसमें अरबिक एज अ सब्जेक्ट एज अ लैंग्वेज, इस्लामिक स्टडीज एंड सोशल स्टडीज, ये तीन सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनको मिनिस्ट्रीज खुद इनकी बुक्स भी प्रिपेयर करती है और इनका करिकुलम भी मिनिस्ट्री खुद प्रिपेयर करती है, और यही बुक्स तमाम पब्लिक और प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाई जाती हैं। आप इनके अलावा और कोई भी बुक्स नहीं ले सकते। बाकी सब्जेक्ट की बुक्स के लिए उन्होंने एक लिस्ट प्रोवाइड कर दी है जिसमें आप चूज कर सकते हैं, साइंस है, मैथ्स है और बाकी दीगर सब्जेक्ट की बुक्स हैं, लेकिन ये तीन सब्जेक्ट की बुक्स मिनिस्ट्री के पास हैं जो मिनिस्ट्री खुद सप्लाई करती है, हर साल उसका एडिशन के साथ देती है। प्लस थर्ड स्टेप पे फिर हम लोगों ने मास्टर ट्रेनर्स प्रोड्यूस किए, जो लोग करिकुलम में काम कर रहे थे, करिकुलम को किस तरह से डिलीवर करना है उसके लिए हमने मास्टर ट्रेनर्स तैयार किए ताकि वो मुख्तलिफ एरियाज में और मुख्तलिफ स्कूल्स में टीचर्स को ट्रेन कर सकें। तो ये हमारा थर्ड स्टेप था कि हमने मास्टर ट्रेनर्स तैयार किए ताकि करिकुलम के आउटकम्स को इन द रियल सेंस डिलीवर करने के लिए टीचर्स को तैयार किया जा सके और स्कूल्स को तैयार किया जा सके। चौथे लेवल पर फिर टीचर्स ट्रेनिंग रही, बड़े मास लेवल पर टीचर्स ट्रेनिंग रही, सब्जेक्ट वाइज टीचर्स ट्रेनिंग रही जिसमें तमाम एस्पेक्ट से टीचर्स को ट्रेन किया गया कि एक सब्जेक्ट को इंटरनेशनल लेवल पर किस तरह से डिलीवर करना है और वो करिकुलम के जो आउटकम्स हैं, ये जो करिकुलम्स के जितने ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको किस तरह से हमने मीट कराना है, इसके ऊपर सारा काम हुआ। टीचर्स की ट्रेनिंग हुई, कुछ स्टैंडर्ड मटेरियल तैयार किए गए, वो डिस्ट्रीब्यूट हुए। पांचवे और सबसे इम्पॉर्टेंट नंबर था मॉनिटरिंग, सपोर्ट एंड सुपरविजन। तो मिनिस्ट्री ने एक पूरा मैकेनिज्म बनाया है वहां पर कि वहां किस तरह से वो मॉनिटर करेंगे कि जो करिकुलम वहां इम्प्लीमेंट हो रहा है वो उसी फिलॉसफी के साथ और उसी स्ट्रेंथ के साथ इम्प्लीमेंट हो रहा है तमाम स्कूल्स में जो मिनिस्ट्री की रिक्वायरमेंट है, और उसको बाकायदा सुपरवाइजर्स की एक टीम है जो सेमिस्टर्स में दो दफा कम से कम हर स्कूल में जाके विजिट करती है। उसके अलावा कुछ उन्होंने प्रोग्रेशन टेस्ट हैं, कुछ उनका असेसमेंट क्राइटेरिया है, उस सब चीजों को वो लेके चलते हैं जिससे कि वो मॉनिटर करते हैं कि तमाम करिकुलम जो है वो सही तौर पर वहां इम्प्लीमेंट हो रहा है। पाकिस्तान में तो चूंकि अभी ये बिल्कुल स्टार्ट है तो देर इज अ वेरी लॉन्ग वे टू गो, अभी तो हम स्टेप नंबर वन पर हैं, और इसी वजह से फिर ये काम किया गया। हमने प्लान ये किया था कि तकरीबन 3 साल में इस करिकुलम को स्ट्रीमलाइन करेंगे तमाम स्कूल्स में, तमाम एरियाज में, और उसके बाद फिर लाइक अदर इंटरनेशनल करिकुलम्स हर साल इसको रिवाइज किया जाएगा। तो वहाँ अब हर साल करिकुलम जो है वो हर नए एकेडमिक ईयर से पहले करिकुलम में अगर कोई चीज़ जो है एडजस्ट करनी है, कोई आउटकम्स को ऐड करना है, कुछ आउटकम्स को अगर डिलीट करना है, डिपेंड करता है, तो उसको हम अपग्रेड करते हैं और हर 5 साल के बाद उसको प्रॉपर तरीके से पूरा रीएवेल्युएट करना है। तो बेसिकली जो उसमें आउटकम्स के लेवल पर चेंजेस हैं वो हर साल हर एकेडमिक ईयर एनुअली की जा रही हैं, और एक ओवरऑल जो है अगर उसमें रीस्ट्रक्चर करना है या डिटेल चेंजेस करनी है तो एवरी 5 ईयर्स उसको स्टडी किया जा रहा है। तो ये वहां पर प्लान किया गया। जबरदस्त दावर साहब, ये आई थिंक हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं या एजुकेशनिस्ट हैं उनके लिए सोचने का मुकाम है कि मिडल ईस्ट जैसा जो खत्ता है वो भी एजुकेशन के लेवल पे भी वो हमसे कितना आगे चल रहे हैं, कितना उन्होंने पहले सोचा इस बारे में, उसको इम्प्लीमेंट भी कर लिया। सर आपने एजुकेशन का आपका बैकग्राउंड भी था, उसके बाद आपने हैंड ऑन एक्सपीरियंस भी लिया सिंगल नेशनल करिकुलम के डेवलपमेंट के हवाले से, तो इस हवाले से आप पाकिस्तान का जाहिर आपने सिंगल नेशनल करिकुलम को थोरली स्टडी किया होगा, क्या समझते हैं कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है या लेट्स से अगर कोई फ्लॉज है तो क्या आपकी नज़र में क्या बड़े बड़े फ्लॉज क्या है? देखिए मैंने तकरीबन जो ग्रेड 1-5 का करिकुलम है पाकिस्तान ने अभी जो रिसेंटली लॉन्च किया है ऑलमोस्ट उसके तमाम आउटकम्स को रिव्यू किया है, स्टडी किया है, और टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं अपने तौर पे सबसे पहले तो हमारी गवर्नमेंट को ये बात इस बात पे मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ कि ये एक बहुत लॉन्ग अवेटेड स्टेप था और बहुत अरसे से हम जैसे लोग जो एजुकेशन से ताल्लुक रखते हैं
जब भी हम पाकिस्तान विजिट करते हैं अपने बहन के बच्चों को, भाई के बच्चों को, मुख्तलिफ रिश्तेदारों में जब बच्चों को देखते हैं पढ़ते हुए और उनके मुख्तलिफ लेवल्स और मुख्तलिफ स्टैंडर्ड्स को देखते हैं, तो इस चीज़ के ऊपर हमेशा बात करता रहता हूँ कि यहाँ एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, एक मिनिमम स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो एटलीस्ट गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया तो दे आर डेफिनेटली टू बी अप्रिशिएटेड के हमने इस डायरेक्शन में एक स्टेप नंबर वन लिया। और इट्स अ वेरी लॉन्ग वे टू गो टू बी वेरी ऑनेस्ट। और हमारे यहाँ ख़ास तौर पर क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें आपको पता ही है जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन के बजाय पॉलिटिकल बन जाते हैं, तो ये एक हमारा बड़ा प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेट है कि हम बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ों को पॉलिटिसाइज करके उसका सारा, उसकी जो एसेंस है, उसकी जो स्पिरिट है, उसको हम जो है वो ख़राब कर देते हैं। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने जब इस करिकुलम को देखा है तो पाकिस्तान में ख़ास तौर पर लैंग्वेज के हवाले से, उर्दू लैंग्वेज के हवाले से, ये फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ कि उसको पढ़ाने का एक जो मरवजा तरीका है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का लैंग्वेज को पढ़ाने का, वो अडेप्ट किया गया है, विच इज़ डेफिनेटली जिन लोगों ने भी उस पर काम किया है दे शुड बी अप्रिशिएटेड के बहुत अच्छा आउटकम्स उस पर उन्होंने डिस्कस किया है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, लेट्स होप कि वो काम हो। दूसरी चीज़ ये कि तमाम करिकुलम में जो ऑब्जेक्टिव्स हैं और जो जिस तरह से करिकुलम डिज़ाइन किया गया है वो हर लिहाज से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ऊपर उतरता है, पूरा उतरता है। और जाहिर सी बात है उसमें कुछ गैप्स तो हैं, जो सबसे पहले जो मैंने अपने टेक्निकल तरीके से उसमें एवेलुएट किया है, अगर हम ऑब्जेक्टिव्स को लिखते हुए उसमें ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को सामने रखते हुए ऑब्जेक्टिव्स को लिखते हैं तो हमें उसको अचीव करना आसान हो जाता है, क्योंकि इट्स अ वेरी ह्यूज थ्योरी और उस थ्योरी को जब आप सारी दुनिया में प्रैक्टिस किया जाता है तो उन ऑब्जेक्टिव्स के जो आउटकम्स हैं या उस आउटकम को जो हमने अचीव करना है वो एक रिलेटिवली कंपैरेटिवली आसान हो जाता है। तो अगर हम उस टर्मिनोलॉजीज को या उन जार्गन्स को यूज़ करते हैं तो वो हमारे लिए ज़रा बेहतर हो जाता है काम। तो ये एक थोड़ा सा इसमें फ्लॉ है कि उन जार्गन्स को इतना यूज़ नहीं किया गया, तो उसकी वजह से थोड़ा सा गैप आएगा, लेकिन ऑब्वियसली बात है जब उसकी इम्प्लीमेंटेशन फेज में जाएगा तो वो जल्द ओवरकम हो जाना चाहिए। दो बड़े इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जो टोटली इग्नोर किए गए हैं, जिसके ऊपर मैं समझता हूँ कि ये जो भी टीम है जिसने सिंगल नेशनल करिकुलम पे काम किया है उनको देखना चाहिए। एक है ग्लोबल परस्पेक्टिव और एक है ICT, जिसको हम इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं। आपको पता है कि इस वक्त हम लोग टेक्नोलॉजी के दौर में रह रहे हैं और कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन इज द की फॉर द फ्यूचर, और तमाम इंटरनेशनल सिस्टम्स में ICT और ग्लोबल परस्पेक्टिव को ग्रेड वन से ही इंट्रोड्यूस कराया जाता है ताकि स्टूडेंट जो है वो प्रिपेयर हो सके आने वाले तमाम चैलेंजेस के लिए राइट फ्रॉम द बिगनिंग। आपको पता है आज बच्चे के हाथ में, एक छोटे से भी बच्चे के हाथ में गैजेट होती है और वो उसको हमसे बेहतर ऑपरेट करना जानता है, लेकिन उसको प्रोफेशनली सीखना, उसके सही और गलत का तरीका, ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं कि उनको सिखाई जाएं और शुरू से सिखाई जाएं। तो ये चीज़ें दो इंपॉर्टेंट चीज़ें, प्लस ग्लोबल परस्पेक्टिव। आज आपको पता है दुनिया में सारी बात हो रही है कि हर चीज़ जो है वो इंटर रिलेट है। एक मुल्क का अगर वो इन्वायरमेंटल इश्यूज को इग्नोर करता है तो उसका इम्पैक्ट सारी दुनिया पर पड़ता है, और जिस तरह से आजकल हम इस पैंडेमिक को फेस कर रहे हैं हमें ये अंदाजा हो चुका है कि कोई भी मसला किसी मुल्क का इंडिविजुअल मसला अब नहीं रहा है, उसके बहरहाल चाहे वो देर से या जल्दी इम्पैक्ट सारी दुनिया पे पड़ते हैं। तो इसी हवाले से ये ग्लोबल परस्पेक्टिव का एक सब्जेक्ट इंटरनेशनली इंट्रोड्यूस कराया गया है, और इससे आपके इस बच्चों में एक सेंस पैदा होता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप ग्लोबली देखते हैं और उसके हवाले से अपने आप को तैयार करते हैं। तो ये दो सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसके ऊपर काम होना चाहिए, और मेरे ख्याल से स्पेशली ICT को जो है वो ग्रेड वन के लेवल से एक प्रॉपर करिकुलम के फॉर्म में इंट्रोड्यूस कराना चाहिए ताकि बच्चे जो है हमारे जदीद टेक्नोलॉजी को जल्द अज जल्द समझ सकें और अच्छे तरीके से इसको लेके चलें ताकि वो ग्लोबली जो चीज़ें चेंज हो रही हैं या ग्लोबली जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं उनको वो अच्छी तरह से समझ सकें। तो ये एक मेजर शॉर्टफॉल है जिसके ऊपर मैं समझता हूँ कि जल्द अज जल्द काम होना चाहिए। जी दावर साहब, आप यकीन करें इतनी खुशी हो रही है बात सुन के। नॉर्मली हम में से जो लोग
जिन्होंने बाहर का एक्सपोजर होता है, इंटरनेशनल जिनके पास एक्सपोजर होता है या जिन्होंने बाहर काम किया होता है, वो नॉर्मली पाकिस्तान में की जाने वाली चीज़ों को क्रिटिसाइज ही करते हैं, स्पेशली सिंगल नेशनल करिकुलम को लेके जितना क्रिटिसिज्म देखने को मिला है। लेकिन आज बड़ी खुशी हुई ये सुन के कि एक इंडिपेंडेंट रिव्यूअर है जो कि उस टीम का हिस्सा भी नहीं था, जिन्होंने सिंगल नेशनल करिकुलम डेवलप किया और वो सिंगल नेशनल करिकुलम के हवाले से इतने पॉजिटिव चीज़ें कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। डेफिनेटली जो गवर्नमेंट है या जो टीम थी जिन्होंने डेवलप किया वो डिजर्व अ लॉट ऑफ अप्रिसिएशन अबाउट इट। बहरहाल जो चीज़ें आपने मेंशन की ब्लूम टैक्सोनॉमी के यूज़ और ICT वगैरह और ग्लोबल पर्सपेक्टिव, ये वो चीज़ें हैं डेफिनेटली, ये हमारे इस सेशन के थ्रू हम कोशिश करेंगे ये हायर अप्स तक ये चीज़ें पहुँचाई जाएँ और उस पर वो डेफिनेटली इस चीज़ को कंसिडर करें। सर आपका बहुत शुक्रिया। जाने से पहले हम ये आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आपका कोई मैसेज हो, कोई पैगाम आप देना चाहते हो एजुकेशनिस्ट के लिए, पेरेंट्स के लिए या पॉलिसी मेकर्स के लिए या एनी अदर स्टेक होल्डर्स के लिए जो कि सिंगल नेशनल करिकुलम की इम्प्लीमेंटेशन के बाद से अफेक्ट होंगे, तो प्लीज आप हमारा फोरम यूज करें उसके लिए। थैंक यू सर। सबसे पहले तो मुझे आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करना है कि आप लोगों ने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पे मैं अपने कुछ एक्सपीरियंसेस को या अपने जो पास्ट में मैंने काम किया उसको शेयर कर सकूं। देखिए, जैसे मैंने अभी पहले भी कहा कि ये इनिशिएटिव गवर्नमेंट का बहुत ही, जिसको कहते हैं हम देर आए दुरुस्त आए वाली बात है कि हम बहुत अरसे से इन चीज़ों के ऊपर काम होना चाहिए था। दुनिया कहाँ से कहाँ निकल गई है और अभी तक हम इन मसाइल में उलझे हुए हैं। और आपको पता है कि हमारे मसाइल का हल इन्हीं चीज़ों में है कि अगर हम एजुकेट करें। ये अल्लाह की सुन्नत है, अल्लाह ताला की सुन्नत है कि उसने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक एक ही चीज़ को हमारे हवाले किया है, वो है इल्म। आदम अलैहिस्सलाम को भी इल्म की बुनियाद पर फौकियत दिलवाई और जब हमारे आखिरी नबी के ऊपर वही नाजिल की तो वो भी इकरा से शुरू की कि पढ़ो। तो इस चीज़ को अगर हम सामने रखते हुए आगे चलते हैं तो देखें, गवर्नमेंट ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है, इसमें शॉर्टफॉल्स हैं और ये विद द पैसेज ऑफ टाइम आगे डेफिनेटली इस पे काम होगा और ये रिमूव होते चले जाएंगे क्योंकि कहीं से तो हमें स्टार्ट करना है। देखिए, आगे बढ़ने के लिए अगर हम सिर्फ सोचते रहेंगे और इसी मसले में रहेंगे कि हम कैसे ये काम करेंगे तो कभी भी वो काम होगा ही नहीं। स्टार्ट तो लिया है और स्टार्ट लेना है और एज आई सेड अर्लियर वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो। अभी तो ये एक स्टेप नंबर वन है। अब गवर्नमेंट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यह है कि हमारे पास आप देखें 3 डिफरेंट लेवल पे एजुकेशन सिस्टम चल रहे हैं। एक पब्लिक सेक्टर है, एक प्राइवेट सेक्टर है और एक हमारे मदरसाज हैं। अब इस सिंगल नेशनल करिकुलम की जो फिलॉसफी है वो यही है कि ये तमाम तीनों जो सेगमेंट्स हैं हमारी सोसाइटी के, इनको एक स्ट्रीम लाइन किया जाए, इनको एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर लिया जाए। एक बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर यहाँ पर सुनने में भी आ रहा है कि क्या इससे हमारा एजुकेशन सिस्टम का स्टैंडर्ड जो है वो नीचे चला जाएगा। तो सवाल ये है कि क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम किसी लेवल पर है? क्या हमने कोई बेंचमार्क अभी बनाया हुआ है जिसके ऊपर हम मेजर कर रहे हैं? क्योंकि देखिए ना, हर चीज को कहना आसान है लेकिन प्रैक्टिकली या साइंटिफिकली उसका एनालिसिस होना भी जरूरी है ना। क्या हमारे पास कोई यार्ड स्टिक है जिसके ऊपर हमने मेजर किया हुआ कि जी ये हमारा लेवल है, अब इससे नीचे चला जाएगा? क्या कोई है ऐसा स्टैंडर्ड पाकिस्तान में? मुझे, मैं तकरीबन इतने अरसे से फॉलो कर रहा हूँ, जब हमारे पास कोई यार्ड स्टिक ही नहीं है तो ये तो बेसिकली एक फर्स्ट टाइम एक यार्ड स्टिक इंट्रोड्यूस हो रही है कि ये हमारा मिनिमम लेवल है, अब इससे नीचे तो खतरा ही खतरा है। देखिए, बात हुई कि ये इससे नीचे खतरा है, इससे ऊपर जो जितना जाना चाहे, जो जितना लेकर। अब जैसे मुख्तलिफ स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं जो बहुत अच्छे एजुकेशन सिस्टम चला रहे हैं, वो ये समझते हैं कि जी इससे उनका स्टैंडर्ड नीचे चला जाएगा। अनफॉर्चुनेटली वहाँ भी सिस्टम नहीं है, क्योंकि मैं बहुत सारे बड़े बड़े स्कूलों के, बड़े बड़े नाम वाले स्कूलों के अंदर पढ़ने वाले बच्चों को देखता हूँ और जो उनको पढ़ा रहे हैं असातज़ा उनको भी देखता हूँ, अनफॉर्चुनेटली वो भी किसी स्टैंडर्ड के ऊपर नहीं आते क्योंकि उन्होंने कोई यार्ड स्टिक तो रखी नहीं है ना कि आप इससे आगे जाएंगे या ये हमारा मिनिमम है। तो बेसिकली ये एक हमारा मिनिमम लेवल है जिसके ऊपर मेरे ख्याल से मरियम तुक्ताई साहिबा ने भी एक जगह कहा था कि ये फ्लोर है, दिस इज नॉट द रूफ, दिस इज द फ्लोर। इससे ऊपर आप जितना जाना चाहेंगे ऊपर जाएंगे तो वो सबके लिए बेनिफिशियल है, लेकिन इतना तो मिनिमम सबको करना है ताकि अगर एक सोचे, एक बच्चा आज इस्लामाबाद में पढ़ रहा है, कल उसके पेरेंट्स की कहीं पोस्टिंग हो जाती है, वो इस्लामाबाद से जाके
क्वेटा में बैठ जाता है उसके पेरेंट्स, या वो कराची में बैठ जाते हैं, तो जब सिंगल नेशनल करिकुलम के हवाले से जब वो जाएंगे ट्रांसफर होंगे तो एटलीस्ट दे हैव द सेम स्टैंडर्ड। तो ये एक अच्छी चीज़ है। गवर्नमेंट को सबसे पहले काम यही करना है कि एक पूरा प्रॉपर मैकेनिज्म बनाना है इसके इम्प्लीमेंटेशन का, टीचर्स की ट्रेनिंग का, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है फॉलो अप एंड मॉनिटरिंग। देखें हमारे यहाँ अक्सर यही होता है कि बहुत अच्छी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन तक तो रहती हैं, लेकिन ना उसके बाद में फॉलो अप होता है, ना उसको प्रॉपर मॉनिटर किया जाता है। एंड लेवल तक मॉनिटर करने का एक मैकेनिज्म बनाना चाहिए। और मेरा अपना आइडिया तो यह है, मेरी अपनी सोच यह है कि डिजिटलाइजेशन इज द ओनली वे कि हम अगर सारी चीजों को डिजिटलाइज करेंगे, कंप्यूटराइज करेंगे, तब हम इसको बहुत इफेक्टिव तरीके से मॉनिटर कर सकते हैं। पेरेंट्स के हवाले से मैं सिर्फ पेरेंट्स को यह कहना चाहता हूँ, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर अक्सर कहते हैं कि सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, वी शुड नॉट गेट पैनिक। टू बी वेरी ऑनेस्ट, पैनिक करने का कोई ना जरूरत है ना कोई रीजन है। वजह उसकी यह है कि आपका सिस्टम स्ट्रीम लाइन हो रहा है, आपका सिस्टम एक स्टैंडर्ड के ऊपर जा रहा है, एक मिनिमम यार्ड स्टिक तय की गई है कि अब आपका बच्चा कम से कम इतना जरूर पढ़ेगा, हर लेवल पर इतना जरूर पढ़ेगा। तो ये तो एक अच्छी चीज है, इसमें कोई खराबी की बात नहीं है। दूसरी, बुक्स के हवाले से यहाँ पे काफी बातें हुई हैं पेरेंट्स के ऊपर, ये खास तौर पर बताया जा रहा है कि जी सब कुछ उर्दू में पढ़ाया जा रहा है और गवर्नमेंट ने बड़ी सब स्टैंडर्ड बुक्स लगाई हैं। आपने देखे कि गवर्नमेंट ने भी उसी तरह से एक लिस्ट ऑफ बुक्स दी है, सिर्फ गवर्नमेंट की पब्लिश बुक नहीं है बल्कि एक लिस्ट ऑफ बुक्स है, आप किसी भी पब्लिशर की बुक्स ले सकते हैं। बस सिर्फ ये किया है कि रिस्ट्रिक्ट किया है कि इस ही पब्लिशर की बुक्स के अलावा आप और कोई बुक्स नहीं ले सकते, क्योंकि अगर हम गांधी को नहीं पढ़ाएंगे तो इससे हम कहीं सब स्टैंडर्ड नहीं हो जाते। क्योंकि हमारे अक्सर ये बात हो रही थी कि जी हम अगर अपने बच्चों में ये टॉलरेंस का एलिमेंट पैदा नहीं करेंगे, तो सिर्फ गांधी पढ़ाने से टॉलरेंस एलिमेंट नहीं पैदा होता, अगर गांधी के अलावा भी हम बहुत सारे इंटरनेशनल स्कॉलर्स को पढ़ाएंगे तो हमारा एजुकेशन सिस्टम अच्छे लेवल पर चल जाएगा। इसी तरह से हमारे जो मदरसा में जो लोग हैं उनको भी यह समझना चाहिए कि इस्लाम इतना कमज़ोर रिलीजन नहीं है कि वो इंग्लिश पढ़ाने से कमज़ोर हो जाएगा या साइंस को इंट्रोड्यूस कराने से उसको कोई चैलेंजेस दरकार होंगे। हमारे यहाँ कोई इस तरह का इशू नहीं होगा, ये सब चीज़ें सब मिलके चलाएंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से चलेंगी। एजुकेशनिस्ट को सबसे ज़्यादा काम करना है, जो हमारे टीचर हजरात हैं, जो हमारे स्कूल ऑनर्स हैं, उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट काम यह है कि दे हैव टू रेज अबव, वो बायस पॉलिटिकल एफिलिएशन से हट के एक नेशन को सामने रखते हुए, एक नेशन बिल्डिंग के कॉन्सेप्ट को सामने रखते हुए अपना रोल प्ले करें। एजुकेटर्स को अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, एजुकेटर्स को नई टेक्निक्स ऑफ टीचिंग को अडेप्ट करना पड़ेगा, उनको नई टेक्नोलॉजीज के साथ अपने आप को इन टच करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और अभी बहुत सारा काम हुआ है थैंक्स टू द पेंडेमिक के, हमने बहुत टेक्नोलॉजी को ना चाहते हुए भी अडेप्ट किया है, और ये हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है, जिसे कहते हैं हर इस पेंडेमिक के साथ एक सिल्वर लाइनिंग आती है, जो हमारे लिए इस वक्त टेक्नोलॉजी के अडेप्टेशन है, जो हमने बहालत मजबूरी किया है लेकिन किया है। अब तकरीबन हर एक टीचर जो है वो किसी न हद तक टेक्नोलॉजी के साथ उसका वास्ता पड़ चुका है, वो टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए। यहाँ रोकने के लिए जी 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 रियली सॉरी, एजुकेशन पे आप जितना बोलना चाहें आप बोल सकते हैं, जितना ज्यादा डायलॉग हो उतना ही बेहतर है, लेकिन बट वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम फॉर दिस सेशन टुडे, आई एम रियली सॉरी सर, आपका बहुत शुक्रिया आपने। दैट्स फाइन, वी नो दैट। बस एक लास्ट में मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ कि टीचर्स को बेसिकली खुद मोटिवेट करना है अपने आप को, और उनको अपने स्टूडेंट को मोटिवेट करना है, सबसे इम्पोर्टेंट रोल टीचर्स का यही है। दे शुड गेट मोटिवेटेड एंड दे शुड इंस्पायर द यंग जनरेशन, दैट इज द मेन रोल एंड दैट विल बी द की फॉर सक्सेस। सर थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर कमिंग। थैंक यू सर, थैंक यू आप लोगों का, आपकी टीम का, कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपनी कुछ व्यूज जो है वो शेयर कर सकूं, एंड होप के दिस इज going to make some difference, or kuch opinion making mein agar hamara kuch role play ho sake, that would be the most important thing. Thank you very much. Thank you so much sir. Allah Hafiz. Allah Hafiz.